बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष सुमन ने लालू यादव को कोर्ट से बेल मिलने पर कहा कि लालू परिवार को बेल मिला है, कोर्ट से राहत नहीं मिली है। लालू यादव आरोप से बरी नहीं हुए हैं। तेजस्वी राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, मगर उन्हें सपने में सलाखें मिलेंगी। नहीं करना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव जी को बेल मिला है, राहत नहीं मिला है, आरोप से वो बरी नहीं हुए हैं और न्यायालय की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। ये अभी बहुत सारा काम है, अगर वो गलत काम किए होंगे तो निश्चित तौर पर उनको सजा मिलेगी और वो सजा से बच नहीं सकते हैं। बेल तो एक प्रक्रिया है, बेल मिला है जी, निश्चित तौर पर उन्होंने जो काम किया है, पूरे परिवार को एक साथ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और अब इस जमानत पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी और आरजेडी में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी और आरजेडी में तीखी बयानबाजी हो रही है, सुनिए। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू जी तेजस्वी जी सहित अन्य लोगों को बेल मिला है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी पता चल गया होगा जो ये कैसी बनावटी है। पूरी ताकत लगा दी भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंसियों के माध्यम से, जितनी ताकत लगानी थी उतनी लगाई, और लगाना है और लगा ली, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, ये बात ज्ञान तो होनी चाहिए। लालू प्रसाद जी को अपनी करने का फल भोगना ही होगा। लैंड फॉर जॉब से जुड़े ईडी केस में लालू एंड फैमिली को कोर्ट से न तो बरी किया गया है और न ही इस मामले में राहत मिली है। लालू जी एंड फैमिली को 1 लाख मुचलके पर जमानत दी गई है। इस मामले में लालू जी एंड फैमिली को जेल जाना तय है। लालू जी के जेल जाने से उन गरीबों को न्याय मिलेगा जिनकी जमीन लालू जी ने नौकरी देने के बदले हड़प ली। लालू जी ने अपने पद और पावर का जो दुरुपयोग किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लालू जी के कारनामे पर कोर्ट भी सख्त है। कोर्ट ने लालू एंड फैमिली सहित सभी आरोपियों को पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है ताकि वे देश यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर।